दोस्तों साथियों, मैं हूं आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व गवर्नर आदरणीय कल्याण सिंह जी के आवास पर, और मुझे वहां पर मिले हैं गांव भड़ौली अतरौली के पास जो गांव भड़ौली है, और सीएस सूरजपाल जी। आइए हम सूरजपाल जी से बात करते हैं। यह हालांकि यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है अभी अलीगढ़ के राज पैलेस पर, लेकिन हम काफ़ी दूर से पैदल चलकर आए, सूरजपाल जी से हम बात करते हैं। चाचा सूरजपाल जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी धूप में, तेज धूप में पैदल पैदल आ रहे थे, मैंने आपको देखा। कहाँ से आ रहे हैं? भड़ौली से आ रहे हैं। वो कौन है, आपके कोई रिश्तेदार थे बाबूजी कल्याण सिंह? बाबूजी मिले बारे मिलने वाले थे आप? बहुत ज्यादा। तो अभी क्या सूचना मिली है आपको? तो एकदम आप आए हैं। गई मिली के मोबाइल में सुबह गई, मैं आ गई के बाबू जी खत्म है। आपको दुख हुआ इस बात का? बहुत ज्यादा। तो हमारे खाते में पैसे उठाते? अच्छा, किस लिए पैसे डालते थे वो आपके खाते? 40-40 हजार, 35-35 हजार। किस लिए डालते थे वो पैसे आपके? गई। अच्छा, खर्चा गई। ज्यादा प्रेम मानते वो थे आपके, बड़े प्रेमी थे। तो अब जब वो गवर्नर रहे राजस्थान के या हिमाचल प्रदेश के, तो क्या आप वहाँ पर उनके साथ जाना हुआ था आपका एक दो बार? मैं गया हूँ 67 रिपोर्ट। कितनी बार? 67 रिपोर्ट। 67 पोर्ट यानी 67 बार राजस्थान के राजभवन में गए थे आप? हाँ, पूरे में। अच्छा, पूरे में गए थे। तो हाँ, आपको तो कमांडो रोक लेते होंगे वहाँ के? एक ना रोको तो क्यों? तो कहते हैं बाबू जी, मैंने कि बाबू जी हमारे जी खटाक जो थी खोल देते। अच्छा, फिर बाबू जी काफी देर इंतजार करते रहना होता होगा? हाँ, है बाबू जी फिर मिलते। अच्छा, 11 बजे। क्या बोलते थे तुम्हें, क्या नाम लेके बुलाते थे आपको? भोले। भोले, सूरजपाल भोले। अच्छा, क्या क्या बातें होती थी जब आप दोनों 11 बजे मिलते थे? काफी बिजी की बात होती कि बाबू जी काऊ बालक है लगवाए दो, मैं लगवाए हुए। अच्छा, कौन कौन बच्चे लगवाए थे? वहाँ को लगवाए, बसई को लगवाए, झांसी में। अच्छा, बाकी 85 हजार की नौकरी है। बहुत बढ़िया, पहली बात। तो वो आपसे बड़ा प्रेम मानते थे? बहुत ही ज्यादा। तो बहुत ज्यादा प्रेम मानते थे, तो आप क्या कुछ मिठाई अलीगढ़ की या हाथरस की या टिक्की ले जाते? क्या क्या ले जाते तुम? मेथी को साग, मक्का को चून और लौकी। अच्छा, ऐसी चीज है। और ले जाते चना को साग, ऐसी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। नहीं, वो तो पसंद करते थे, वो तो काफी मतलब एक तरीके से राजा थे। हाँ। और आप लौकी और आटा ले जाते थे, तो वो हंसी या आपसे ये नहीं कहते थे मतलब आया करो तुम यहाँ पे? नहीं नहीं, वो कहते कि इन्हें चीजें तो पसंद ही। अच्छा, पसंद करते थे इन चीजों को। तो खाने में क्या क्या खाते थे वो लोग? खाने में आप लोग साथ में खाना खाते थे या वो अलग खाते थे, आप अलग खाते थे? बाबू जी अपने सागो हमें तो खाते ही है, मेथी को सागो अपने गाँव में। अच्छा, अपने गांव में खाते? नहीं, जब वो गवर्नर वो थे के बड़बैया रहती। अच्छा, तो वो कहती कि बाबा मेथी को साग ला करो। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब जब वो गवर्नर थे बाबूजी, तो उनके संग एक मेज पे बैठ के खाना खाया था आपने? खायो। अच्छा, कितनी बार? दो बार। 67 बार आप गए थे, तो उसके पीछे क्या रीजन था? कैसे जाते थे, ट्रेन से, बस से? बस होते। अच्छा, वो बाबू जी पूछा तो ना आए तू बार बार क्यों आ जाते हो? बाबू जी तो कहते भाई बहुत बढ़िया है, तुम आ जाते हो मिल जाते हो। तो वहाँ जब रुकते थे तो बड़ा ठाट बाट में आनंद आता होगा? बहुत बढ़िया, अच्छा लगता था। नाश्ता भेजे थे? अच्छा, फिर खाना भेजे थे? हम्म, खूब खाते। तो वो आपसे उम्र में बड़े थे या छोटे थे? 4 साल बड़े थे आपसे। बड़े थे, तो जब वो बड़े थे और राजनीति में भी थे, शिक्षक भी थे, तो आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? आपने किसी राजनीति में क्यों नहीं हाथ आजमाए? मैं बिल्कुल ही कुबड्ड हूँ। कुबड्ड मतलब? बिल्कुल पढ़ा हुआ ना हूँ। दो पोत प्रधान करी है मैंने भड़ौली में। अच्छा, प्रधान रहे हैं आप? मैं। अरे कमाल कर दिया आपने तो। हमारे घरवाली। अच्छा, घरवाली रही है। तो आप अब बाबूजी आपको छोड़ के चले गए? बहुत परेशानी है गई है। तुम्हें परेशानी है गई है या पूरे समाज को, लोधी समाज को परेशानी है? सबक हुई भैया, अनाथ हो गया समाज। क्या कहना चाहते हैं लोगों से, समाज के लोगों से आप कुछ कहना चाहते हैं? यही है कहेंगे कि भैया ने क्या राजू को सवार लेकर, राजू को ने सवारी हो छितरिया वोट दियो, ठीक है ना? अब ये बालक आया तुम्हारा ऐसा, यहाँ कुछ समारो बाबू जी समझो करेगी।
उसकी विरासत को, बाबूजी की विरासत को आगे स्थापित रखना है। बाबूजी बाबूजी के जाने से लोधी समाज में अपूर्णीय क्षति हुई है, बहुत दुख है। वो दुख तो है ही, लेकिन अपूर्णीय क्षति है, उस क्षति को पूरी करने के लिए समाज क्या करेगा? आपका क्या करना चाहिए समाज को? समाज को ऐसे एक जोड़ के और फिर बढ़ाएंगे राजू भैया को। अच्छा, राजू भैया ही को बढ़ाओगे या किसी और को बढ़ाओगे? राजू भैया को बढ़ाएंगे, सज्जू को बढ़ाएंगे, वो नाती है। अच्छा अच्छा हाँ, और फिर सौरभ है छोटो, बाबू बढ़ाएंगे। मतलब इसी परिवार को आगे बढ़ाना है? हाँ, क्योंकि इन्होंने लोधी समाज को बहुत मान सम्मान बहुत और समाज के आगे बढ़ाने का प्रयास किया, बहुत बढ़िया किया था इन्होंने। दुद्धे ठोड़ने थे बाबू जी जीते, आज तक कोई ना जीते। आप बाबू जी के कोई रिश्ते में कुछ लगते हैं या दोस्त हैं? मेरे ज्यादा मोहब्बत ही ज्यादा था बाबू जी। आप भी एलआर हैं? अच्छा, आप जब आपको सूचना मिली कि बाबूजी का निधन हो गया तो लखनऊ की तरफ जाने का मन बनाया था क्या आपने? बनाया तो फिर वहाँ क्या करते जाएंगे हैं? वहाँ जाएंगे करते हैं। मतलब आप मैं बोले आए हो पहले? अच्छा। जब वो ना मिले वहाँ भैया ने कह दे के वहाँ जान ना दे थे हॉस्पिटल में राजू भैया ने। तो अब वो यहाँ पर कितने बजे तक पहुँच रहे हैं? बाबूजी का पार्थिव शरीर कितने बजे अलीगढ़ आ रहा है? अब देखो मालूम पड़े कै बजे आ जाए वहाँ पे। तुम्हें क्या सूचना है? सूचना ये है कि आ जाएंगे जल्दी। आ जाएंगे तो जब तक आप वो आएंगे नहीं, आप मिले बिना नहीं जाओगे? जाएंगे ना, आप अंतिम संस्कार तक यहीं रहोगे? गांव के भी लोग आएंगे या आप भी? अब गांव के जाए लो लग रही है, वो तो आ रहे हो। तो साथियों, ये थे हमारे साथ सूरज पाल जी, जिन्होंने बताया कि बाबूजी मुझसे बहुत अनन्य प्रेम करते थे और मैं अब तक राजभवन में 67 बार उनके पास गया था, दो बार मैंने डाइनिंग टेबल पर खाना भी खाया था। उन्होंने बताया कि समाज की अपूर्णीय क्षति को पूरा करने के लिए राजवीर सिंह राजू भैया और उसके परिवार को समाज पूरा सहयोग देगा। मैं हूँ इस वक्त डॉक्टर मसूद अहमद जी के पास, जो हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की CEC मेम्बर हैं, और जिन्होंने बताया कि बाबूजी कल्याण सिंह की कल जब उन्हें देहांत की सूचना मिली तो काफ़ी मन भारी है और बड़े दुखी हैं। ऐसे में हम बात करना चाहते हैं डॉक्टर मसूद अहमद साहब से कि आखिर मन में को जो गुबार है वो कैमरे के सामने व्यक्त करें। मसूद भाई, आपका स्वागत है। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के CEC मेम्बर होने की नाते आप सबको प्रणाम करता हूँ। मुझे बहुत दुख है कि हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि विश्व में शोहरत याफ्ता हमारे दो बार के मुख्यमंत्री और गवर्नर रहे बाबूजी का इंतकाल हो गया। ये बहुत ही ऐसा नुकसान है कि जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। आपने संवेदना व्यक्त की, पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश इस समय बाबूजी के निधन से सदमे में है, उन्हें काफ़ी उबरने में वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब, बाबूजी हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते थे और वो हिंदुत्व की बात किया करते थे, ऐसे में बहुत सारी बातें नेगेटिव पॉजिटिव रहती थी, तो क्या कहना चाहते हैं आप उसको लेकर? देखिए, वो अपने दिल के सम्राट थे और बहुत ही अच्छे खुश अखलाक और निर्मल दिल के मालिक थे। ये सब चीज़ें तो पॉलिटिक्स में चलती रहती हैं, हर आदमी अपने अपने पार्टी के हिसाब से जो उसे ऊपर से ऑर्डर मिलता है वो करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक दो बातें मैंने जो देखी हैं सुनी हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ वो जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है वो ही नहीं करते थे, बल्कि उसके साथ में उन्होंने, आप देखिए कि दीनदयाल उपाध्याय इतना बड़ा अस्पताल जो है जो शहर में है जिसकी बड़ी कीमत है ज़मीन की, उस ज़मीन पर वो कुछ और भी बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर अस्पताल बनवाया, उस इलाके का जो है बहुत ही विकास किया है।
और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया, नकल रोकने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। और एक बार एक बदायूं के पास एक गांव है, उनका उसका नाम मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो मेरे पास आए और बोले कि बाबूजी साहब की कुछ मुलाकात है। मैंने कहा हाँ एक दो बार हुई है। तो उन्होंने कहा हमारा एक काम है आप चलिए। वो मुझे लखनऊ ले गए, वहाँ मैंने उसकी इंटर कॉलेज की मान्यता के लिए, ज़मीन थी उनके पास और वो कॉलेज बना रहे थे। जब वहाँ हम पहुँचे तो लखनऊ में एक बड़ा अजीब सा माहौल था। उसी ज़माने में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी कि हमें डर लग रहा था कि हम अपनी बात कहें या ना कहें, और हम शायद डर कर सोच रहे थे कि छोड़िए अंदर जाना ठीक नहीं है। लेकिन वो उनका आदमी आया कि सब अपनी बात रख रहे हैं, अब आप ही रह गए, आप भी चलिए। तो हम डरते डरते चले गए कि ज़्यादा ज़्यादा मना ही तो कर देंगे। जब मैं और वो डॉक्टर खान साहब पहुँचे तो वो बैठे थे, हाँ बताइए क्या बात है। हमने कहा साहब हम आपके ही अलीगढ़ से आए हैं और ये हमारे दोस्त डॉक्टर साहब हैं, इनको एक इंटर कॉलेज में की मान्यता के लिए ही आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ आपने देर कर दी, हमने कर दिया, लेकिन फिर भी आप किस समुदाय से हैं। उन्होंने कहा कि साहब हम जो हैं वो पठान हैं, मुसलमान हैं। अच्छा अच्छा, तो उसे बुलाया पीए को, बुला के कहा कि भाई बताओ कितने। उन्होंने कहा साहब आपने 6 कॉलेजों की मान्यता दी है। तो उन्होंने कहा कि 6 में किस किस की हैं। कि साहब उसमें कोई मुस्लिम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो इस मुसलमान की भी, इसकी भी एक दे दो। तो उन्होंने उसकी मान्यता दे दी। तो मैं तो ये कहूँगा कि सारे काम जो है, अगर वो कट्टर होते, मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन होते, तो शायद जिस तरीके से आज कल के हालात हैं, उसी बाबरी मस्जिद शहीद होने के हालात में ही उन्होंने ये कहकर कहा कि एक मुसलमान का भी कर दो, और उन्होंने कर दिया। जो कि आज इस वक्त भाजपा की ये बात नहीं रही है कि वो किसी मुसलमानों को भी लें। अब जितने भी आयोग और जितनी भी चीज़ें बन रही हैं उसमें वो किसी मुसलमान को नहीं लेती। दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि बहुत ही खुश अखलाक थे। एक हमारे दोस्त थे जो हमारे ओल्ड बॉय एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे, साजिद हुसैन जानी साहब, जो असगरपुर के नवाब हैं, और उनकी बहुत बड़ी एक कोठी है असगरपुर में। वो कल्याण सिंह जी के बड़े पक्के दोस्त थे। उन्होंने मुझे एक बार बताया कि एक प्रोग्राम में मैं बोला कि जाइए देखकर आऊं कि कल्याण सिंह जी से मुलाकात होगी या जो भी। तो वो दूर जाके बैठ गए, स्टेज से उन्होंने देखा और देख के कहा अरे ये तो नवाब साहब बैठे हैं। तो उन्होंने एक आदमी को भेज के नवाब साहब को बुलाया, आपकी जगह वो नहीं है, आपकी जगह स्टेज पर है, मेरे पास है। अपने पास बिठाया और कहा कि दुनिया आती है, आप क्यों नहीं आते। तो इन सब चीज़ों से ये महसूस होता है कि अलीगढ़ के तो नाम से ही वो काम कर दिया करते थे। मेरी जितनी जानकारी है वो मैंने आपको बता दी कि ऐसे लीडर बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं कि जो दुनिया में नाम रोशन करते हैं। वो हिम्मत वाले थे, अनुशासन वाले थे। उन्होंने जब देखा कि कारसेवकों पे गोली चलेगी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन गोली नहीं चलने दी। इसमें जो बड़ी कमी जो है वो कल्याण सिंह जी की नहीं बल्कि कांग्रेस के नरसिंह राव जी की कमी है कि उन्होंने उस वहाँ पर कारसेवकों को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। अगर वो चाहते तो जहाज़ों के ज़रिए वहाँ पर लोगों को नीचे उतारते, सैनिकों को, और वो बाबरी मस्जिद शहीद होने से रुक सकती थी। हमें दुख है कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, लेकिन ये अकेले उनकी बात नहीं है बल्कि ये तो पूरी राजनीति सिस्टम की बात है। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर मसूद अहमद, जिन्होंने अपने मन की बात बताई कि बाबूजी का कितना कोमल हृदय था और वो कितने दूरदृष्टि थे। मुझे भी याद आता है कि जब भी मैं अक्सर उनके आयोजनों में जाता था तो वो अपने पुराने साथियों को नाम लेकर, नाम से संबोधित कर बुलाते थे और उनकी माँ का, गांव का, यहाँ की खेत और खलिहान और पेड़ के बारे में भी पूछा करते थे कि तुम्हारे घर के पास जो पेड़ है वो कैसा है। तो साथियों नेचर प्रेमी थे, अपनों के प्रेमी थे, और सबसे बड़ी बात वो बहुत अच्छे
व्यक्ति थे। धन्यवाद साथियों। सब यात्रा अभी लखनऊ में है और लखनऊ से चलकर अलीगढ़ हवाई पट्टी पर उतरने के बाद अलीगढ़ अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में पहुंचेगी। उसके बाद जो भी लोग बाबूजी के दर्शन करना चाहेगा वहां पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।